ओके गाइस, तुम्हें एक यूट्यूब बैनर बनाना है लेकिन वो एग्जैक्टली मैच ही नहीं हो रहा है भाई। ऊपर से काटवा रहा है, नीचे से काटवा रहा है, साइड से काटवा रहा है, लेकिन परफेक्ट तरीके से वो बैनर फिट ही नहीं हो रहा है। एक बार बना लिया पर वो साइज मैच नहीं हो रहा है, तो कैसे करें इस वीडियो को पूरा देखते रहो। इस वीडियो पर मैं सारी चीजें पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। सो गाइस, बैनर बनाने के लिए मैं यहाँ पर पिक्सेल ऐप का यूज करूंगा सिंपली, जिसको तुम्हें पहले डाउनलोड करना है। करने के बाद तुम्हें इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर रोटेट कर लूंगा ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड 3 डॉट पर तुम्हें जाना है, और उससे पहले यहाँ पर जो टैक्स है इसे डिलीट कर देना है, और इस राइट वाले सेक्शन पे जाके तुम्हें किसी भी फोटो बैकग्राउंड फोटो तुम्हें सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझना है, ये जो ब्लैक रेक्टेंगल एरिया है ये मोबाइल के लिए है, दूसरा ये टेबलेट के लिए है, और तीसरा ये तुम्हारा पीसी के लिए है, और जो पूरा स्क्रीन है वो है टेलीविजन के लिए। तो क्या सबसे पहले हम यहाँ पर एक और आपके जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पहला वाला जो फोटो है वो स्केल एज ए स्केल यूज़ करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ हमारा जो एरिया है जो मेन एरिया है उस एरिया से बाहर ना हो जाए। ठीक है, तो सिंपली इसका जो कैपेसिटी है वो हम यहाँ पर लो करने वाले हैं, कुछ घटा देंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो स्केल है जो मेन एरिया है वो दिखे, और बाद में जो है हम इसे फुल कर देंगे, यानी जो कैपेसिटी है वो फुल कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा स्केल है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली अभी दिख रहा है, अभी कोई भी चीज़ तुम यहाँ पर रखोगे तो सिंपली तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये एरिया के अंदर है या फिर बाहर है। तो गाइस, अभी यहाँ पर तुम्हें इस इमेज बैकग्राउंड को लॉक करना है। लॉक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने चैनल के लोगो ऐड कर लूँगा सबसे पहले, तो सिंपली यहाँ पर तुम्हें लोगो ला के क्रॉप कर लेना है, राउंड क्रॉप मैं यहाँ पर कर लिया। करने के बाद सिंपली तुम्हें यहाँ पर लोगो जो है वो सेट कर लेना है, वो तुम्हारे हिसाब से तुम सेट करोगे। तो गाइस, यहाँ पर सेकेंड जो आता है वो होता है और चैनल के नाम, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने चैनल के नाम रख लूँगा, और रखने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हाँ थोड़ा बड़ा करते हैं। और गाइस, ये प्रोसेस होने के बाद अभी इसको कलर लगाना है और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कलर्स कस्टमाइज कर लूँगा, और ये हो गया है, और ये कलर कूल है। तो गाइस, यहाँ पर अभी फॉन्ट चेंज कर लेंगे, तो सिंपली यहाँ पर मैं बोल्ड इस फॉन्ट को ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे ये परफेक्ट भी लगता है। तो गाइस, ये तो हो गया चैनल के नाम। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो फ़ोटो है वो अगर तुम चाहते हो कि हाँ मुझे बैनर पर लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ सिंपली तुम्हें दिखाने के लिए, तो ये फ़ोटो हो गया, और इस फोटो को मैं साइड पर लगाऊँगा ताकि जो मेन एरिया है उसी एरिया के अंदर रहे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो फोटो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो गाइस, सिंपली मैं यहाँ पर क्रॉप कर लूँगा नीचे से थोड़ा, और यहाँ पर ये करने के बाद तुम्हें ये राइट पर क्लिक करना है, और ये क्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है तुम्हें एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ पर तुम प्लस पर क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो यह प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है, बट तुम्हें मेन जो चीज़ फोकस करना है वो होता है तुम्हारा एरिया। ठीक है, तुम्हें मोबाइल के एरिया के अंदर ही सारी चीज़ ऐड करना है, और कुछ जो अनइम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो गाइस सिंपली यहाँ पर जो है ड्रॉ पे जाके तुम्हें एक लाइन खींचना है, तो सिंपली तुम यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ स्क्रीन पर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो गाइस, अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर तुम पेंसिल आइकन पर क्लिक करके इसे कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करने के बाद एक लाइन हम नीचे से भी अटैच कर देंगे ताकि हमारा जो बैनर है वो देखने में थोड़ा और कूल लगे। ठीक है, और राइट गाइस, हर चीज़ को तुम्हें परफेक्टली करना है, हो सकता है तुम्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। मैं जब इस बैनर को बना रहा था तो मुझे 15 मिनट का वक्त लगा, तुम्हें थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है ताकि तुम्हारा जो बैनर है वो थोड़ा और अच्छा देखे। ठीक है, तो गाइस वीडियो अगर मैं लॉन्ग बनाता तो तुम ऑडियंस जो हो वो वीडियो लॉन्ग वीडियो से बोर हो जाते हो, जिसके लिए तुम्हें शॉर्ट वीडियो बनाने पड़ता है। तो गाइस, यहाँ पर जो है एक और इमेज ला रहा हूँ, और सारे इमेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पर दे चुका हूँ, और ये इमेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे चुका हूँ, और वो जो पेंसिल सॉरी जो स्केल वाला
फोटो है जिसको तुम्हें एक्चुअली एक स्किल की तरह यूज़ करके बैनर को बनाना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर तुम देख सकते हो मैं इस इमेज को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद जो हमारा बैनर है वो थोड़ा लाइट कम हो गया, सारी चीज़ जो है इस फोटो के नीचे दब गया है, तो उसको ऊपर उठाना है। और तुम बैनर तो देख ही चुका हो कि कैसे मैंने बैनर बनाया। तो गाइस यहाँ पर जो है सारी चीज़ को एडजस्ट कर लेना है और तुम्हें थोड़ा टाइम और स्पेंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया है और अभी हम यहाँ पर जो है चैनल के नाम के नीचे कुछ और थोड़ा कंपोनेंट ऐड करेंगे, मतलब कुछ नाम वगैरह कि हमारा चैनल किसके रिगार्डिंग है, इस चैनल पर तुम्हें क्या मिलने वाला है, ताकि लोग बैनर देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा सके। तुम अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने चैनल के हिसाब से तुम दे सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इस लाइन को और मिडिल वाला सेक्शन पैराग्राफ को ऐसे करके लिखने वाला हूँ सिंपली, ओके। तो ये थोड़ा जो है तुम्हें एक्सेस कर लेना है हर चीज़ को, और हर चीज़ को परफेक्टली बनाना है। और यहाँ पर तुम फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो तुम अपने हिसाब से। ओके, तो अभी बैनर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके कुछ और इफ़ेक्ट देने वाला हूँ, जो को मैं यहाँ पर तुम्हें थंबनेल पर दिखा उस बैनर को, वही मैं यहाँ पर जो है अपने देश के जो तिरंगा है उसका मैं यहाँ पर कलर ऐड करने वाला हूँ, यानी जो कलर है वही मैं यहाँ पर सिंपली सेट करने वाला हूँ। ये ऊपर वाला कलर हो गया, अभी हम यहाँ पर व्हाइट सेलेक्ट करेंगे, और ये व्हाइट वाला कलर भी जो है ये सेट हो चुका है। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर जो है तीसरा कलर अभी हम यहाँ पर चूज़ करेंगे, प्लस पर क्लिक करके इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा आई थिंक, और हाँ हम यहाँ पर सिंपली कस्टमाइज़ कर लेंगे इस कलर को, और ये हो चुका है, और भी हाँ ये परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है तुम्हें टिक पर टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने में हर चीज़ जो है वो तुम्हें परफेक्टली करना है, और इससे पहले जो है हमारा जो लोगो है वो नीचे दब रहा है, तो हमारे लोगो को ऊपर लाना है सबसे पहले। तो इसको जो है लोगो को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, टू फॉन्ट, इस पर टैप करते ही जो है तुम्हारा लोगो ऊपर आ जाएगा, और ये जो है ये हो गया है ऑलमोस्ट। तो गाइस अभी यहाँ पर तुम पेंसिल के आइकन दिख रहे हो, तो सिंपली वहाँ पर क्लिक करके कोई भी इमेज को तुम यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। तो ये एडजस्ट हो चुका है, और यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद एक राइट साइड में भी एक ऐड कर लेंगे, और जो हमारा इमेज के फ़ोटो है वो ऊपर नीचे दब गया है। तो गाइस इसे भी टू फॉन्ट यहाँ पर लाना है, और यहाँ पर सिंपली जो है इसको भी एडजस्ट करना है, और ये कुछ इस तरह से तुम्हें दिखेगा, और ये भी परफेक्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत जो है तुम्हें परफेक्ट करना है, और हमारे जो चैनल का नाम है वो भी नीचे दब गया था उस इमेज के, और हमने यहाँ पर टू फॉन्ट इसे ऊपर कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो बैनर है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी यहाँ पर मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा, और ये जो है तुम्हारा बैनर ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जो पहला जो चीज़ है वो है तुम्हारे मोबाइल के लिए, और यहाँ पर जो हमारा जो बैकग्राउंड है उसका कैपेसिटी भी अभी इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर कैपेसिटी ढूंढ के इसको 100% कर देना है, ताकि जो स्केल एरिया है वो हाइट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें जो है इस इमेज को सेव पर क्लिक करते ही यहाँ पर अल्ट्रा सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक करना है। और राइट गाइस, तो अभी मैं यहाँ पर तुम्हें लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे तुम अपने चैनल के बैनर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर दिखाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर एडिट पर गया, और यहाँ पर कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक करते ही तुम गैलरी ओपन हो जाएगा, और उस इमेज को सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो एडजस्ट कर लेना है, और एडजस्ट करने के बाद जो है सिंपली तुम्हें सेव पर क्लिक करते ही ये जो फोटो है वो सेव हो जाएगा। ऑल डिवाइस यहाँ पर शो करेगा, डेस्कटॉप मोड इस तरह शो करेगा, और पूरा जो स्क्रीन है वो टीवी पर शो करेगा। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमारे चैनल का जो बैनर है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो गाइस आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बाय।